तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को पहले हम देखते हैं। तो PS2 फोटोसिस्टम 2 सबसे पहले रोशनी अब्सॉर्ब करता है, मतलब कि यहां पर टीम ने काफी सारे फोटॉन्स इकट्ठे किए, वो सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली और वो एनर्जी उन्होंने ट्रांसफर कर दी सेंटर में अपने कैप्टन को। ठीक है, अब कैप्टन क्या करता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है, ज्यादा एनर्जी आ जाती है, नतीजे में वहां रिएक्शन सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, यानी कि उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई, वो बाहर निकलता है, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो P680 से यानी कि फोटोसिस्टम 2 से यहां पर आपको दिखाया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको दिखाया हुआ है, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन को इस और ये जो पिंक से कलर की प्रोटीन पड़ी हुई है इसने कैप्चर कर लिया। ठीक है जी, अब बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, अब क्या हुआ कि एनर्जी आई क्लोरोफिल को चली गई, क्लोरोफिल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला आगे चला गया। ठीक है, अब इसके पास से इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, क्लोरोफिल का अपना इलेक्ट्रॉन भाग के मां का बच्चा दादी उठा के ले जाए तो मां को गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई ये कौन होती है मेरे बच्चे को लेके जाने वाली, तो वो जनाब काफी गुस्से में आ जाती है और वो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल था वो जनाब वो एक्साइट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब कि ये किसी दूसरे से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीनने की इस वक्त ताकत रखता है। ठीक है, उसका पारा अब चढ़ा हुआ है तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मैं कुछ करूं तो उसको यहां वहां से एक मिस्कीन सा पानी का मॉलिक्यूल गुजरता हुआ नजर आएगा, वो अपना सारा गुस्सा पानी के ऊपर उतार देगा। तो वो क्या करता है, पानी के तोड़ता है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरी कर लेता है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो किसी और चीज में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर सकता है, तो उसे पानी गुजरता हुआ नजर आता है, वो पानी को तोड़ता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। अब उसके नतीजे में हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलती है और ऑक्सीजन नेगेटिव अलग हो जाती है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके पानी के तौर पे रिलीज हो जाते हैं और हाइड्रोजन के आयन वहां पर ल्यूमन में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो एक्चुअली यहां पर रिलीज हो रही है, वो बाहर चली जाएगी और हाइड्रोजन आयन्स इकट्ठे हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन्स से हम बाद में काम लेंगे, लेकिन पानी बहरहाल पहले स्टेप पे टूट गया। जो हमने कहा था कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कहां हो सकता है, वो काम सबसे पहला स्टेप ही वो है कि पानी टूट जाता है, फोटोलाइसिस हो जाती है। अब जनाब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया था PS2 से, अब उसने घूम के आहिस्ता आहिस्ता PS1 के ऊपर जाना है, उसके बेड पे जाना है। ठीक है, तो अब यहां पर सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, बारी बारी, कभी चाचू से उठाएगा, कभी मामू उठाएगा, कभी अब्बू उठाएगा, कभी कोई, तो बारी बारी वो सबके गोद में जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इस दौरान में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आते हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं या उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती हैं, वो एनर्जी जो शुरू में लाइट की वजह से उसके अंदर आई हुई है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, मसलन प्लास्टोक्विनोन है, इसी तरह दो साइटोक्रोम्स हैं, प्लास्टोसायनिन है जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है। कॉपर के कंपाउंड्स का कलर कैसा होता है, कॉपर के साल्स का रंग कैसा होता है, कॉपर सल्फेट देखा कभी, ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो कॉपर के कंपाउंड्स का कलर ब्लू होता है। प्लास्टोसायनिन प्लास्टिड से है, क्लोरोप्लास्ट से है, तो प्लास्टिड के अंदर पाया जाने वाला ब्लूइश ग्रीन कलर या ब्लूइश ग्रीन प्रोटीन, तो वो कॉपर वाली प्रोटीन है, प्लास्टोसायनिन इसे कहते हैं। साइटोक्रोम सेल के रंगीन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो वो ये तीन नाम है याद रखने हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम्स, प्लास्टोसायनिन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाता है और उस दौरान इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट कम होती जाती है, उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, अल्टीमेटली वो लोअर स्टेज में जा रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज करता जाता है और जो एनर्जी यहां पर वो प्रोटीन को दे देता है उस एनर्जी को वो प्रोटीन इस्तेमाल करती है ADP से ATP बनाने के लिए।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दे दी प्रोटीन को, प्रोटीन ने वो एनर्जी इस्तेमाल कर ली एडीपी से एटीपी बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर एडीपी की फॉस्फोराइलेशन हो रही है, यानी कि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप एड हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन वो रिएक्शन है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप एड होता है एडीपी के ऊपर। नतीजा यह है कि हमारे पास एटीपी आ गया, ठीक है जी। अब वो एनर्जी उसकी बिल्कुल खत्म हो गई, लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बॉटम पे आ गया। अब नतीजा क्या है कि अब उसे नींद आ रही है और उसको हैंडओवर कर दिया जाता है P700 को, चाची के पास पहुंच गया, वहां से वो सो जाता है। तो चाची वहीं पे उसे बिस्तर में लिटा देती है। अब यहां पर बेसिकली बिस्तर में वो जगह क्यों बाकी है, इसलिए कि चाची का अपना बच्चा किसी और की गोद में है, ठीक है। तो वो उसका बिस्तर वेला था तो उसने वहीं पे लिटा दिया, वहीं पे सुला दिया उसे। उसका बच्चा, उसका इलेक्ट्रॉन कहां गया, उधर से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, क्योंकि है वो भी एक पूरी टीम, वहां पे भी क्लोरोफिल ए मौजूद है, उसने भी लाइट कैप्चर की थी, उस लाइट से उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था, वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। उसका अपना एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसने भी जो भी काम करना है, मुख्तलिफ एंजाइम्स का सिस्टम मौजूद है, तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। अब उसका अपना इलेक्ट्रॉन आगे जाने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब ये वाला फोटोसिस्टम पानी को तोड़ के कमी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि वो दूसरी जो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो पीछे से फोटोसिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे अपनी कमी पूरी कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला था लेकिन पीछे से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो वो यहां पर पहुंचा और उसने कमी पूरी कर दी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिस्टम वन की अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन फेरम आयरन को कहते हैं, रिडॉक्सिन रिडॉक्स रिएक्शन करने वाला कंपाउंड है, इसको हम एनएडीपी रिडक्टेज भी कहते हैं, एनएडीपी रिडक्टेज। एज का मतलब है कि ये एंजाइम है, रिडक्टेज का मतलब है कि ये रिडक्शन करता है, किसकी रिडक्शन करता है, एनएडीपी की। एनएडीपी की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एनएडीपीएच बनेगा, हाइड्रोजन उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो फेरिडॉक्सिन एनएडीपीएच के ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देता है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो यहां पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकली थी, वो फेरेडॉक्सिन की मदद से एनएडीपी रिडक्टेज ने एनएडीपीएच पॉजिटिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो बेसिकली ये NADPH2 आपका रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल है, ये बाद में जाके दूसरी चीजों को रिड्यूस कर सकती है। इस प्रोसेस को जी स्कीम या जेड स्कीम कहा जाता है। जेड क्यों, क्योंकि ये अंग्रेजी के लफ्ज जेड जैसा है, जिग जैग पैटर्न में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर नीचे, मतलब यहां पे एन जैसा है, वहां पे अगर टेढ़ा कर लें तो जेड जैसा है, तो इसलिए इसको जी स्कीम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिग जैग पैटर्न में मूव करता है, या इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं।